ये बताइए, क्या हम जानते हैं कि कभी पहाड़ों में घास काटने के लिए भी दिन बार मुकर्रर होता था, जैसे आज शादी बरातों के लिए एक दिन तय होता है, क्या कभी घास काटने के लिए भी ऐसे दिन मुकर्रर हुआ होगा? नहीं ना। या लकड़ी काटने के लिए, पंचायती लकड़ी काटने के लिए कोई दिन मुकर्रर होता है? शायद ये जानकारी आज जो वर्तमान परिवेश के नौनिया है उनके पास नहीं। नमस्कार, मैं हूं मनोज इस्टवाल, हिमालयन डिस्कवर में आपका स्वागत है। मैं कुछ ऐसे थपावों से आपको आज रूबरू करवाऊंगा कि जब घसलोड़े बोलते थे जौनसार में, और जौनसार के परिवेश में आज ले जाऊंगा मैं आपको तमसा, यमुना और गंगा घाटी के कुछ गांव की क्लिप भी दर्ज करवाऊंगा, दो एक इंटरव्यू भी उसमें दिखाऊंगा। पहले ये संपूर्ण उत्तराखंड के हर जिले के हर पट्टी, हर गांव, हर ग्राम सभा में ये आयोजन होते थे। उन्हीं आयोजनों में घसलवे या घसकटे या फिर घसलोड़े एक परंपरा थी। पूरे ग्राम सभा के जो कॉम्युनल जंगल, जिनको हम संजेती वन बोलते हैं, वहां जब घास काटने की बारी आती थी तो पूरे ग्राम पंचायत की एक बैठक बैठती थी, फिर दिन तय किया जाता था। पहले पंडित से पतला दिखाया जाता था, वो जो अपना बाणीभूषण पंचांग या फिर महेदर पंचांग में पंचांग के आधार पर दिन तय होता था। एक भेली फाड़ी जाती थी जो देवता को अर्पित होती थी, और उसके बाद घास काटने की एक शुरुआत होती थी, एक परंपरा होती थी जो पूरे जंगल में विभिन्न स्थानों पर काटी जाती थी। लेकिन उसके लिए तय किया जाता था, समय मुकर्रर किया जाता था कि किस स्थान पर कब घास काटा जाए। ये दरअसल उस काल की बात है जब हमारे खेत खलियान सरसब्ज थे, हमारे गांव गुठियार सब जीवंत थे, घास से जहां पशुधन की वृद्धि थी वही खेतों में खाद की भी एक परिकल्पना थी, और साथ में खेतों की मुंडेरों पे उगे हुए घास को, पतवार को हटाने का भी एक जिम्मेदारी पूरी माँ बहने निभाती थी। आइए आज घास पे ही चर्चा करते हैं, और आज घास पे ले चलते हैं आपको जौनसार बाबर क्षेत्र यानी तमसा यमुना घाटी के उस परंपरा पे, साथ में ले जाएंगे टिहरी और उत्तरकाशी। आइए देखते हैं क्या ऐसी परंपरा थी और किस तरीके से इस परंपरा का निर्वहन आज भी गिरिज में लोग क्या करते हैं। वैसे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घसियारी योजना शायद इसी सब को देखते हुए शुरुआत की थी, और उसके बाद 2016 में टिहरी गढ़वाल में एक घास प्रतियोगिता होती है जिसमें जो सबसे जल्दी सबसे बड़ा घास का बोझा काटेगी उस औरत को 1,00,000 रुपए और एक चांदी का मोट मेरे ख्याल से उपहार मिलना था। बहुत बड़ी प्रतियोगिता हुई। आइए जानते हैं क्या है घास प्रतियोगिता।
जोड़ी डोंगा रे सेरी ही और वेरी जाती राओ इराए ही मैं तो हेरी मुए ती तेरी राजी राओ इराए ही जो जौनसार बाबर की बात हो और आपको ये ना दिखाई दे तो अद्भुत लगेगा, अलग लगेगा, लेकिन ये लोक समाज और लोक संस्कृति की एक वानगी भर है कि एक संयुक्त निर्देशक सूचना वो देखिएगा जो कैप पहन के घास काटते हुए नजर आ रहे हैं के एस चौहान अपने गांव में घसियारी के बीच में घास काट रहे हैं। उनके साथ कुछ पुरुष जरूर हैं लेकिन ज़्यादातर मातृशक्ति और पीछे जंगू भाभी के सुर आपको सुनाई दे रहे होंगे। एक सामूहिक घसलौने की परंपरा आज भी अगर जीवित रखने के लिए एक प्रयास हो रहा है तो इसकी सराहना होनी चाहिए। यो तो संस्कृति के चितेरे एस चौहान लगातार कुछ न कुछ अद्भुत करते रहते हैं। इस बार फिर से उन्होंने घसलौने की परंपरा को ये जीवित करने के लिए अपने गांव में ये फिर से शुरुआत की है जिसे लोग अब तक भूल चुके हैं, लेकिन जौनसार बाबर के कई क्षेत्रों में अब भी घसलौने की परंपरा जारी है। जबकि गढ़वाल मंडल के बहुत सारे क्षेत्र तमसा यमुना में अगर ये जारी है तो लेकिन गंगा घाटी के या फिर अलकनंदा घाटी के कई क्षेत्रों में इस परंपरा में अब नयापन आया है। रिवर्स माइग्रेशन में शायद कुछ सुधर जाए लेकिन माइग्रेशन की चपेट में आए गाँव ने घास काटना और पशु पालना लगभग छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पशुधन भी है जिसकी जय बिड्डी जिसको एक घास पहुँचती है और घास से गोबर बनता है, गोबर से जो खेतों में पहुँचता है, खेतों से जो हरियाली और अनास हम तक पहुँचता है, हम सब इसके बारे में जानते हैं कि घसलौने की परंपरा आखिर है क्या, जौनसार बाबर में घसलौने की परंपरा क्यों पड़ी है और किस लिए इस परंपरा का निर्माण होता है, इस पर हम लोक समाज के एक चितेरे हौर है जो संपादक हैं गढ़ बैराट एक अखबार निकलता है जौनसार बाबर का भारत सिंह चौहान, पूर्व में वो सूचना अधिकारी रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के, तो भारत चौहान इस बारे में क्या राय रखेंगे वो सुनते हैं भारत चौहान से कि भारत चौहान क्या कहते हैं इस बारे में। देखिए पहाड़ों की अनेक परंपराएं हैं और आज मैं बात कर रहा हूँ, जब सामूहिक रूप से गांव में हम घास काटने जाते थे जिसको हम स्थानीय बोली भाषा में यानी अगर मैं जौनसार बाबर की बात करूं वहां उसे घसलौना कहते हैं, तो ये परंपरा वर्तमान समय में समाप्त प्राय होती जा रही है। और एक समय था जब हमारी खेती बाड़ी बहुत अच्छी थी, हम किसानी के काम में जौनसार बाबर और पहाड़ के लोग बहुत आगे थे और हर परिवार में पशुपालन होता था, तो ऐसे समय में घास की अत्यंत आवश्यकता होती थी और एक ऐसी परंपरा थी जब हम सामूहिक रूप से यानी ये सामूहिकता का भी परिचय होता था और सामूहिक रूप से घास काटने जाते थे तो उसका एक अलग ही अनुभव रहता था। और साथ में घास काटते समय के बहुत अलग अलग गीत है और उस गीत के बोल भी ये रहते हैं कि घास काटो घुमरिया परती माली रम सुराई को झुमरिया परती माली, ऐसे अनेक गीत है, वीर रस के गीत है, प्रेम रस के गीत है। और जब घास काटते थे तो एक टीम इधर खड़ी होती थी, दूसरी टीम दूसरे घास की जो मांग कहते हैं जो चीज पट्टी में घास काटते हैं वहाँ पर खड़े होते थे, तो आपस में एक जोंगू बोलते हैं जो एक संदेशात्मक लोकगीत है उसके माध्यम से प्रेम रस पर आधारित बहुत सारे ऐसे जोंगू और वो गीत लगाए जाते थे। परंतु समय के साथ साथ जैसे हम लोगों ने विकास की सीढ़ियाँ चढ़नी प्रारंभ की, विकास होता गया, गाँव तक विकास पहुँचने लगा, वैसे हमने अपनी ये जो परंपरा थी जिसमें सामूहिकता में एकता जनक थी ये परंपरा समाप्त होने लगी है। हम जब सामूहिक रूप से एक खेत से दूसरे खेतों में गोबर ढोने का काम करते थे, अपने छानी से खेतों तक गोबर ढोने का काम करते थे उसको मुआरना कहते थे, जब सामूहिक रूप से मंडुआ गोड़ते थे तो उसको मंडुआ की गुड़ाई कहते थे, ये गोडाउनों कहते थे, तो तमाम परंपराएं समय के साथ समाप्त हो रही है। परंतु मेरा मानना यह है कि परंपराएं बनी रहनी चाहिए। अगर मैं जौनसार बाबर की बात करूं तो मैं चूंकि वहां आज भी जब लोग सामूहिक रूप से एकत्रित होते हैं तो इस प्रकार के काम सामूहिकता से प्राप्त करते हैं ताकि अपने परिवार का काम आगे बढ़ सके, गांव का काम आगे बढ़ सके। तो जिसको आज सरकार में सबका साथ और सबके विकास की बात कही वो सामूहिक सह की भावना के साथ ये काम हम सब लोग कर रहे हैं,
मुझे इतनी बात अपनी कहनी थी। तमसा यमुना घाटी के बाद अब यमुना घाटी की तरफ चलते हैं, गंगा घाटी की तरफ चलते हैं। गंगा घाटी का ये जो आप पार्श्व में देख रहे हैं गीत, बाजूबंद आपको सुनाई दे रहा होगा। पहले आपने जंगू सुना और बाजूबंद के साथ ये घास काट की महिलाएं अखोड़ी ताल जो क्षेत्र है उनका, वहाँ ये प्रतियोगिता चल रही है जिसमें पूरे क्षेत्र की कई ग्रामीण महिलाओं ने भागीदारी निभाई थी और इसमें प्रथम पुरस्कार पाने वाली महिला को 1,00,000 नगद और 14 तोले का चांदी का मुकुट पहनाया गया था। ये अद्भुत था, एक घसियारी योजना के तहत जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने घसियारी योजना को एक लाभ देने की कोशिश की है, उसकी ये बानगी भर्ती की अखोड़ी से इसकी शुरुआत हुई और इसके शुभारंभ में जिस तरीके से यहाँ की महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली वो अद्भुत रहा है। ये सब पर यही ख़त्म नहीं हुआ, ये यहाँ से बढ़ता हुआ उत्तरकाशी जनपद में भी गया। फिलहाल ये अखोड़ी का एक बहुत सुंदर मार्मिक आपने गीत भी पीछे सुन रहे हैं और साथ में घस कटाई का भी एक दृश्य आप देख रहे होंगे। इस तरीके से बढ़ता हुआ धीरे धीरे समाज के मध्य एक जागृति के लिए, ताकि रिवर्स माइग्रेशन में ये जुड़े और प्रदेश समृद्ध रहे, खुशहाल रहे और हम अपने खेतों की तरफ लौटें। यूँ तो घास और घसियारी से संबंधित कई गीत पूरे उत्तराखंड में प्रचलन में हैं, लेकिन जौनसार भाबर में गीतों की पीड़ा और जो जिस तरीके से वो अपने माइकों को याद करती हैं लड़कियां, जिस तरीके से अपने पूरे सगे संबंधियों को याद करती हैं, जिस तरीके से ऋतु वर्णन साथ में क्या कहते हैं घास काटते काटते होता है, वो एक वानगी इन शब्दों में आपको सुनाई देगी। ये गीत हृदय की गहराइयों तक पहुँचते हैं और गहराइयों को छूते हुए दूर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक पहुँचते हुए अपनी सारी बातें करती हैं। ये महिलाएं अक्सर जब गीत गाती हैं तो संदेश वाहक इनके पास यहाँ की घुघुती होती है, यहाँ की चलकुड़िये होती है और ये सब इन्हीं के माध्यम से जिस तरीके से अपने मायके के लिए एक वो भेजते संदेश भेजते हैं वो देखने लायक है। और इन संदेशों में छुपे बहुत सारे आपको संदेश ऐसे मिलेंगे जो आपके हृदय को छूने के लिए भी काम आएंगे। तो घसियारी योजना में कहीं ऐसी चीज़ें हैं, ये घसलौने की परंपरा काश फिर से दोबारा जीवित हो ऐसा मेरा मानना है और रिवर्स माइग्रेशन की जब फिर से हो शुरू, माइग्रेशन ख़त्म हो और रिवर्स माइग्रेशन करता हुआ हमारा समाज फिर से अपने गांवों की खुशहाली के लिए आगे बढ़े, ये होना चाहिए। गंगा घाटी के उत्तरकाशी में भी पूरे गांव के गांव उमड़ पड़ते हैं ऐसी जब घस कटाई या घस लाने की परंपराएं होती है। और अब जब से घसियारी योजना क्रियान्वित हुई है तब से एक इसमें मातृशक्ति ने ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है, एक आकर्षण का विषय भी बन गया है कि घास काटना है और घास काट के जिसमें ज़्यादा बोझा होगा उसको इनाम मिलेगा, ये बड़ी बात है। तो इससे कई चीज़ें सुधर रही हैं, एक तो पशुधन के प्रति लालायित किया जा रहा है लोगों को घसियारी योजना से और दूसरा पशुधन के साथ साथ खेतों में गोबर जाएगा तो स्वाभाविक है बंजर खेत फिर से खुशहाल होंगे, हरियाली फैलेगी और उसमें अन्न उगेगा। तो ये परंपराएं लगातार यूं ही चलती रहे, यूं ही जीवित रहे। देखिए ढोल लेकर ये प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और इस प्रतियोगिता में एक महिलाएं बता भी रही है कि आपने कौन कौन सा घास काटा है करके, तो उस घास कटाई में उन्होंने क्या क्या घास काटा है उसके बारे में वो जानकारी दे रही हैं कि उन्होंने कौन कौन सा घास इस दौरान काटा है। 3 घासों के वो नाम ले सके, जबकि घास के 185 किस्में उत्तराखंड में अकेले उत्तराखंड में उपलब्ध हैं। अब उन घासों की किस्मों का मैं आगे जिक्र करूँगा, फिलहाल ये देखिएगा ये सुंदर सी वानगी आपको दिख रही है कि किस तरीके से अब घास लेकर उत्तरकाशी जनपद के ये लोग अपने अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं, अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। तो आप देहरादून के जौनसार भाबर में टिहरी जनपद और उत्तरकाशी जनपद की ये वानगी आपने देखी, सुनिए ये क्या कह रही है महिला। कुमरवाटा और बाबे बेटों पर होंदो, डंगार पर होंदो, जंगल होंदो, सारा होंदो। जहाँ घसियारी प्रतियोगिता के रूप में राज्य सरकार लाभान्वित कर रही है महिलाओं को, वहीं
बालन घाटी में एक ये मंदिर है जिसको घसियारी मंदिर के रूप में जाना जाता है, और घसियारी यहाँ घास चढ़ाती है, अपनी रिद्धि सिद्धि की कामनाएं करती है। आपको जानकारी दे दूं कि संपूर्ण विश्व में 225 किस्म की वंशों की घास की 1225 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें अभी तक उत्तराखंड में 185 प्रजातियों की घासें प्राप्त हो चुकी है। मुझे लगता है यह आंकड़ा 500 पार करेगा। घासों की प्रजातियों पर मेरे द्वारा 2017 में 27 जून 2017 में हिमालयन डिस्कवर में एक आर्टिकल लिखा गया था, जिसमें मैंने विभिन्न घासों का वर्णन, इनमें गींठी, भ्यूलू, तुसरू, छंचरी, असीन, सांदण, पुलऊ, फरसही, घौड़ू, रीणा, बेरू, बुदलू, दुबलू, खैना, बेडू, तिमला, पैया, कुर्री, खड़ीक, मालू, गुराल, बांस, बेडू, कंदला, बान, धौलू, टिमरिया, उलऊ, तछील, मुसलू, धिबुया, मच्छा, कुमरिया, लिंजड़ू, बबलू, रेमड़ू, अलमड़ू, पराल, खर्चा, चुटलू, नलऊ, चिलऊ, लब, कुश, नेपियर, बबलू, गुच्छी, कांस, नलियक्का, जेई, गुना, जंगली क्वादू, मसान, चित्रा, गोडिया, राई, कंडली, कुमरिया, दोलनी, गिन्नी, अंगोरा, ओंस, सीता, ब्रूम इत्यादि घासें अभी तक मेरे द्वारा ढूंढी जा चुकी हैं। जौनसार बाबर के प्रवेश में अगर बात की जाए तो तमसा यमुना घाटी के बाद गंगा घाटी में भी इस घास और घसियारी योजना पर अमलीजामा मातृशक्ति पहन चुकी है। अब ये सुनिएगा लोक गायिका शांति वर्मा अन्हा लगातार, जो जौनसार बाबर की लोक गायिका है, लगातार घास और घसियारी योजनाओं पर अपने लोकगीतों के माध्यम से जन जागृति अभियान छेड़े हुए हैं, और ये लगातार गाती रहती हैं और घसियारी योजना से लाभान्वित करती रहती है। यह योजना कब से और कैसे लागू होगी ये तो छोड़िएगा, लेकिन जो एक घसलौने जो परंपरा थी जौनसार भाबर क्षेत्र में, वो अभी भी जीवंत होगी। रिवर्स माइग्रेशन के तहत उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में इस पर एक अमलीजामा पहनाया जा रहा है। राज्य सरकार पूरी तरह से इस पर अपना होमवर्क कर रही है और लगातार इस पर चर्चाएं हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं। उत्तराखंड के लोक गायक नयन सिंह नेगी ने भी प्रकृति को संवर्धन और संरक्षण के लिए बहुत सुंदर से एक गायन के माध्यम से अपनी प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन, पर्यावरण की चिंता व्यक्त करते हुए ऐसे गीत हम तक पहुंचाए हैं जो लोक और लोक समाज की संरचना करते हैं। उत्तराखंड में घास परियोजना है या घसियारी योजना है, वो कहाँ तक हमें सफलता प्रदान करेगी, रिवर्स माइग्रेशन में क्या काम आएगी, या फिर से खेत खलिहान और गांव सरसब्ज होंगे, यह देखना अभी बाकी।